हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सीमा कुशवाहा फ्रॉम भारती ग्रुप ऑफ कॉलेज। आज हम पढ़ेंगे वेग के साथ द्रव्यमान में परिवर्तन, वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी। कल हम इसके पहले पढ़े हुए थे वेगों का आपेक्षिक रूपांतरण तथा योग। उसी का आगे का टॉपिक है वेग के साथ द्रव्यमान में परिवर्तन। न्यूटन की यांत्रिकी के अनुसार द्रव्यमान एक निश्चर राशि है, इनवेरिएंट क्वांटिटी है। जो न्यूटन है उसके यांत्रिकी के अनुसार द्रव्यमान है, मास है, वो इनवेरिएंट क्वांटिटी है, निश्चर राशि है। अर्थात किसी कण अथवा पिंड की गति को, कोई भी पार्टिकल है या बॉडी के मोशन को, उसके मास पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। किसी भी पार्टिकल या बॉडी है की गति को, उसके मोशन को, उसके मास पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है यदि कांस्टेंट पोजीशन में विरामावस्था में रखिए m द्रव्यमान के पिंड पर, m मास के पार्टिकल या बॉडी पर t समय तक एक परिमित तथा अचर बल F लगाने से पिंड का वेग P हो जाता है। यहाँ पे बोल रहे कि यदि विरामावस्था में रखे M द्रव्यमान के पिंड पर T समय तक एक परिमित तथा अचर बल F लगाने से जो पिंड की वेलोसिटी है, बॉडी की वेलोसिटी V हो जाता है, तो पिंड द्वारा प्राप्त संवेग होगा, तो उस बॉडी द्वारा प्राप्त हो रहा जो मोमेंटम होगा वो होगा P इक्वल टू एम इंटू वी, मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, ये हो जाएगा एफ इंटू टी। यदि एम तथा एफ है, कांस्टेंट है, नियत है, तो पिंड द्वारा प्राप्त वेग भी समय टी के समानुपाती है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि अनंत समय तक, इनफिनाइट टाइम तक फोर्स लगाकर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी इनफिनाइट लिमिट तक बढ़ाया जा सकता है। इससे निष्कर्ष निकल रहा है कि अनंत समय तक बल लगाकर, इनफिनाइट टाइम तक फोर्स लगाकर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी इनफिनाइट लिमिट, अपरिमित सीमा तक बढ़ाया जा सकता है। तो ये तो था न्यूटन की यांत्रिकी के अनुसार। अब हम देखते हैं आइंस्टीन के आपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार किसी भी भौतिक पिंड का, कोई भी फिजिकल बॉडी है, उसका मैक्सिमम वेलोसिटी, अधिकतम वेग प्रकाश के वेग के बराबर हो सकता है, लाइट की वेलोसिटी के इक्वल हो सकता है, इससे अधिक नहीं हो सकता। अर्थात पिंड द्वारा प्राप्त संवेग का अधिकतम मान, जो बॉडी है उसके द्वारा प्राप्त मोमेंटम की मैक्सिमम वैल्यू होगी पी मैक्सिमम इक्वल टू एम इंटू सी, जहाँ c है वो प्रकाश का वेग है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि पिंड द्वारा प्राप्त वेग v का मान समय t के अनुक्रमानुपाती केवल तभी तक रहता है जब तक कि पिंड का द्रव्यमान m अचर रहता है। जो आइंस्टीन है उसके अपेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार कोई भी फिजिकल बॉडी है, भौतिक पिंड का अधिकतम वेग है प्रकाश के वेग के बराबर हो सकता है और इससे अधिक नहीं हो सकता है, बोल रहे। अर्थात पिंड द्वारा जो प्राप्त संवेग का अधिकतम मान है वो होगा p मैक्सिमम इक्वल टू m c, जहां c जो है वो प्रकाश का वेग है, यहाँ पर जो c है, जहां c है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि जो पिंड द्वारा प्राप्त वेग है v की जो वैल्यू है वो टाइम टी के प्रोपोर्शनल केवल तभी तक रहता है जब तक कि पिंड का द्रव्यमान मास एम अचर रहता है। पिंड का वेग बहुत अधिक होने पर पिंड का वेग भी समय के अनुक्रमानुपाती नहीं रहता। और उसने क्या था, जो न्यूटन के यांत्रिकी के अनुसार उसमें जो
पिंड का द्वारा प्राप्त वेग भी है वो समय टी के अनुक्रमानुपाती था, लेकिन इसमें पिंड का वेग बहुत अधिक होने पर पिंड का वेग भी समय के अनुक्रमानुपाती नहीं रहता है तथा पिंड का वेग बढ़ने पर उसका द्रव्यमान भी बढ़ता है एवं पिंड का वेग v इक्वल टू c होने पर पिंड का द्रव्यमान m है वो अनंत हो जाता है। तो आइंस्टीन की आपेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार किसी भी भौतिक पिंड है उसका अधिकतम वेग प्रकाश के वेग के बराबर हो सकता है और इससे अधिक नहीं हो सकता। अर्थात बोल सकते हैं कि जो पिंड द्वारा प्राप्त संवेग का अधिकतम मान है वो होगा p मैक्सिमम इक्वल टू एम सी, जहाँ सी है लाइट ऑफ वेलोसिटी। अब ये जो आइंस्टीन के आपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार है उससे निष्कर्ष निकल रहा है कि पिंड द्वारा प्राप्त वेग भी है उसका मान समय की टी के अनुक्रमानुपाती केवल तभी तक रहता है जब तक कि पिंड का द्रव्यमान m अचर रहता है और पिंड का वेग बहुत अधिक होने पर पिंड का वेग भी समय के अनुक्रमानुपाती नहीं रहता है तथा पिंड का वेग बढ़ने पर उसका द्रव्यमान भी बढ़ता है एवं पिंड का वेग v इक्वल टू c होने पर पिंड का द्रव्यमान m है वो अनंत हो जाता है। इस प्रकार आपेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार किसी पिंड का द्रव्यमान अचर नहीं होता है बल्कि पिंड के वेग पर निर्भर करता है और जो आपेक्षिकता के सिद्धांत है उसके अनुसार कोई भी बॉडी है उसका मास अचर नहीं होता बल्कि वो पिंड की जो बॉडी उसकी वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। अर्थात पिंड का द्रव्यमान उसके वेग के साथ बदलता है, जो बॉडी का मास है उसकी वेलोसिटी के साथ चेंज होता रहता है। विरामावस्था में पिंड का द्रव्यमान है वो अचर होता है तथा जब पिंड का वेग प्रकाश के वेग के बराबर हो जाता है तो जो पिंड का द्रव्यमान है वो अनंत हो जाता है। जब बॉडी उसका वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के इक्वल हो जाता है तो पिंड का मास है वो इनफिनाइट हो जाता है। हम आगे देखते हैं। सपोज एक फ्रेम एस है, माना एक फ्रेम है एस है जिसके सापेक्ष एक कण वेग v से x दिशा के अनुदिश गतिमान है। फ्रेम s में कण का गतिक द्रव्यमान है m है। जो हम फ्रेम लिए s उसके सापेक्ष जिसके सापेक्ष एक कण v वेग से x दिशा के अनुदिश गतिमान है। फ्रेम s में जो पार्टिकल है उसकी जो मोशन मास है गतिक द्रव्यमान है मूविंग मास है वो है m है। माना एक अन्य फ्रेम हम यहाँ पे एस डेस ले रहे हैं जिसमें जो पार्टिकल है कण है वो कांस्टेंट है स्थिर है। फ्रेम एस डेस में कण का विराम द्रव्यमान रेस्ट मास है वो एम नॉट है। जो गतिक द्रव्यमान है मूविंग मास है वो है स्मॉल एम और रेस्ट मास है एम नॉट। यदि फ्रेम एस डेस के सापेक्ष कण का वाई दिशा में समांतर डेल्टी डैश में अत्यंत सूक्ष्म विस्थापन डिस्प्लेसमेंट डेल वाई डैश होता है तो फ्रेम एस डेस में जो पार्टिकल है उसका वाई दिशा की अनुदिश वेलोसिटी होगा वी वाई डैश इक्वल टू डेल वाई डैश अपॉन डेल्टी डैश तथा मोमेंटम संवेग होगा पी वाय डैश इक्वल टू एम नॉट बी वाय डैश एम नॉट। यहाँ पे विराम द्रव्यमान है रेस्ट मास है तो एम नॉट यहाँ से हम वी वाय डैश की वैल्यू रख देंगे डेल वाय डैश अपॉन डेल टी डैश। इसे हम इक्वेशन वन लिखें। यदि फ्रेम एस में यही समांतर डेल टी यदि फ्रेम एस में यही समांतर डेल टी नापा जाए जिसमें कण का विस्थापन डेल वाई हो तो फ्रेम एस में कण का वाई दिशा के अनुदिश वेग होगा डेल वाई वी वाई इक्वल टू
डेल वाई अपॉन डेल टी तथा संवेग होगा, संवेग है वो होगा पी वाई इक्वल टू एम वी वाई इक्वल टू एम, हम यहाँ पर वी वाई की वैल्यू रखेंगे, डेल वाई अपॉन डेल टी इक्वल टू इक्वेशन टू। लेकिन टॉरेंज रूपांतरण से होगा y इक्वल टू y डैस एंड डेल y इक्वल टू डेल y डैस तथा समय विस्तार टाइम डेल t इक्वल टू डेल t डैस अपॉन वन माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर। क्योंकि फ्रेम s डैस में नापा गया समयांतर डेल t डैस वास्तविक समयांतर प्रॉपर टाइम इंटरवल है जिसमें घड़ी है वो विरामावस्था में है, कॉन्स्टेंट पोजिशन है, जबकि फ्रेम एस में नापा गया समयांतर डेल टी प्रेक्षित समयांतर है क्योंकि इस फ्रेम में घड़ी कण के सापेक्ष गतिमान है। तो यहाँ पर पी वाई इक्वल टू एम डेल वाई अपॉन डेल टी लाए थे हम इक्वेशन टू से, एम इक्वल टू डेल वाई अपॉन डेल टी डेल वाई डैस अपॉन डेल टी डैस वन माइनस बी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर हो जाएगा। यहाँ पे हम डेल टी की वैल्यू रख दिए तो डेल टी डैस अपॉन वन माइनस बी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर। एम यहाँ पर ये ऊपर चले जाएगा तो ये हो जाएगा वन माइनस बी स्क्वेयर रूट पे अपॉन सी स्क्वेयर डेल वाई डैस अपॉन डेल टी डैस, इसे हम इक्वेशन थ्री लिखेंगे। चूंकि सभी जड़त्वीय फ्रेमों में कण का संवेग है वो समान होता है, यहाँ पे जितने जड़त्वीय फ्रेम हैं सभी जड़त्वीय फ्रेम में जो कण का संवेग है पार्टिकल मोमेंटम ऑफ पार्टिकल है वो इक्वल होगा, अतः पी वाई इक्वल टू पी वाई डैस। अब इक्वेशन वन व इक्वेशन थ्री से एम वन माइनस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर डेल वाई डैस अपॉन डेल टी इक्वल टू एम नॉट डेल वाई डैस अपॉन डेल टी डैस इक्वेशन वन, और इक्वेशन थ्री से तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो यहाँ पर राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, तो ये आ जाएगा एम वन माइनस बी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर डेल वाई डैस अपॉन डेल टी डैस इक्वल टू एम नॉट डेल वाई डैस अपॉन डेल टी डैस। यहाँ पर हम एम की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा एम इक्वल टू एम नॉट अपॉन वन माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर रूट पे, इसे हम लिखेंगे इक्वेशन फोर। इक्वेशन फोर है वो वेग के साथ द्रव्यमान का परिवर्तन बताता है। अपेक्षिकी वेग वाले कणों के लिए इस संबंध को अनेक प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया जा चुका है। स्पष्ट है कि जब v लेस देन c हो तो m इक्वल टू होगा m नॉट जो विराम द्रव्यमान जो कि नियत है। जब v की जो वैल्यू है वो 0.5 से अधिक होने लगता है, यहाँ पे हम एक तरफ वेलोसिटी v लिए और मास m लिए तो यहाँ पर तो जब v की वैल्यू है वो 0.5 से अधिक होने लगती है तो कण के द्रव्यमान का भी जो कण का द्रव्यमान का मान भी बढ़ने लगता है तथा v का मान c की ओर बढ़ने पर कण का द्रव्यमान अनंत की ओर बढ़ता जाता है, और जब v का मान c की ओर बढ़ने पर जो कण का मास है वो अनंत की ओर बढ़ने लगता है। यहाँ पे दिखाया गया अनंत की ओर बढ़ रहा है अर्थात कण की ओर अधिक त्वरित करने के लिए लगाया गया बल अब कण के वेग को नहीं बढ़ाता है। यहाँ पर हम वेग के साथ द्रव्यमान में परिवर्तन को दिखाएं जिसमें v का मान 0.5 से अधिक होने लगता है तो कण के द्रव्यमान का मान भी बढ़ने लगता है तथा v का 0.5 से अधिक होने लगता है तो v की वैल्यू है वो c की ओर बढ़ने पर कण का मास है जो पार्टिकल की जो मास है वो इन्फिनाइट की ओर बढ़ता है। स्पष्ट है कि v वेग से गतिमान
पार्टिकल का मोमेंटम आपेक्ष की सिद्धांत के अनुसार निम्न सूत्र द्वारा दिया जाएगा। तो P इक्वल टू होगा एम वी, यहाँ पर हम इक्वेशन 4 से m की वैल्यू रखेंगे, तो m की वैल्यू रखेंगे तो m नॉट 1√1 माइनस वी स्केयर अपॉन सी स्केयर वी हो जाएगा। इसे हम लिखेंगे इक्वेशन 5। समीकरण 5 से कण का आपेक्षिकी वेग होगा v इक्वल टू पी सी अप पी स्केयर प्लस m नॉट स्केयर सी स्केयर लिखा जा सकता है।